मेवा सेवा दा बड़ा स्वादला है, आम आदमी बने महान पाई, पूरे गुरु दी सेवा है तार दिंदी, अमर जीत स्या हुंदा कल्याण पाई, अमर जीत स्या हुंदा कल्याण पाई। बंदा हो के बंदगी ना कीती, दिता फिर बंदा अखवाउण दा की फायदा, उच्चे वेख के किसे दे मैल सोने, ते कुल्ली अपनी टाउन दा की फायदा। साधु हो के मन नू सदिया ना, ता फिर जटा वधाउन दा की फायदा, आके संगत विच शांति ना मानी, ता फिर संगत विच आउन दा की फायदा, ता फिर संगत विच आउन दा की फायदा। ए जग जन मुसाफर खन्ना, ओए जोगी वाला फेरा, आई वारी तो ले वदाईगी, ओए खाली करना डेरा, आई वारी तो ले वदाईगी, ओए खाली करना डेरा। चक कहारा जिंद दी डोली, चक कहारा जिंद दी डोली, खड़नी सौरिया कोल, वाहे गुरु वाहे गुरु बोल, ओ बंदिया वाहे गुरु वाहे गुरु बोल। ए जग जन मुसाफर खन्ना, ओए जोगी वाला फेरा, आई वारी तो ले वदाईगी, ओए खाली करना डेरा, आई वारी तो ले वदाईगी, ओए खाली करना डेरा। चक कहारा जिंद दी डोली, चक कहारा जिंद दी डोली, खड़नी सहोरिया कोल, वाहे गुरु बोल, ओ बंदिया वाहे गुरु वाहे गुरु बोल। पट पट मिट्टियां महली उसारे, ओए लोक कहन कर मेरा, ना तेरा ना मेरा ए कर, ओए चिड़िया रहन बसेरा, ना तेरा ना मेरा ए कर, तां चिड़िया रहन बसेरा। एक दिन वजना ही सिर तेरे, एक दिन वजना ही सिर तेरे, आन मौत दा ढोल, वाहे गुरु वाहे गुरु बोल, ओ बंदिया वाहे गुरु वाहे गुरु बोल। ओ हुसन जवानी चैर दिहाड़े, हुसन जवानी चार दिहाड़े, ओए खुशियां नाल लंघाइए, जिंदगी दा एतबार नहीं भावें बिन कपनोई तुर जाइए, जिंदगी दा एतबार नहीं भावें बिन कपनोई तुर जाइए। इस दुनिया तू सब तुर जाना, इस दुनिया तू सब तुर जाना, जिसमें नी रहने सोल, वाहे गुरु वाहे गुरु बोल, ओ बंदिया वाहे गुरु वाहे गुरु बोल। अपने हथीं जो जो बीजिया, ओए ओ ही वटना पैना, वारो वारी
सदा आना बैठ किसे नहीं रहना वारो वारी सदा आना बैठ किसे नहीं रहना पावे बेशक अड़ी अड़ कर नहीं भावें बेशक अड़ अड़ कर ली भावें बेशक अड़ अड़ कर ली नाल जमा दे कोल वाहे गुरु वाहे गुरु बोल ओ बंदे आ वाहे गुरु वाहे गुरु बोल कहे हसैन फकीर साईं दा ओए मौत वटेंदी रसे वल वल मुश्का पल विच जाने ओए हाथ पैर सब कसे वल वल मुश्का पल विच जाने हाथ पैर सब कसे निबड़ जाना एक दिन लेखा भी निबड़ जाना एक दिन लेखा एहन बराबर तोल वाहे गुरु वाहे गुरु बोल ओ बंदे आ वाहे गुरु वाहे गुरु बोला ओ बुलबुल वांगू चार दिहाड़े ते बागां दे विच वस हो बुलबुल वांगू चार दिहाड़े ओए बागां दे विच वस मर मर जाने मैं करके कदा ए परवासा मर मर जाने मैं करके कदा ए परवासा डाका काल बली दा पैना डाका काल बली दा पैना पैना ही अनपोल वाहे गुरु वाहे गुरु बोल ओ बंदे आ वाहे गुरु वाहे गुरु बोला जिस दौलत दा गर्व करें प्या वे नाल नी जाना तेला सुन्या छड़ के हीर खिसकना है रंजन दा बेला सुन्या छड़ के हीर खिसकना है रंजन दा बेला कहे हसैन फकीर साईं दा कहे हसैन फकीर साईं दा तोड़न निबने कोल वाहे गुरु वाहे गुरु बोल ओ बंदे आ वाहे गुरु वाहे गुरु बोल ओ बंदे आ वाहे गुरु वाहे गुरु बोला गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे मुकद्दस चरणा च जुड़ बैठे सत्कार जो खालसा जी वड्डियां भागां वाले हां सतगुरां ने अपार बख्शिश कृपा कीती है सिख इतिहास विच सत्कारत थां रखण वाले महापुरख बाबा सालो जी उन्हां दे पवित्र आगमन अवसर दीआं खुशियां आपां मना रहे हां सारी संगत नूं ते महापुरखां नूं लख लख वधाई दिंदा है अगले विचार आरंभण तो पहला सत्कार सहित बुलाई हुई फतेह प्रवान करो कोई वांझा ना रवे भावना नाल गज वज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह आरंभता च जरूरी बेनती है कि जेड़े श्रद्धालु इस तीर्थ की यात्रा करने वास्ते आए है आ जिहड़ा कच्चा रस्ता है इधर जे किसी की गड्डी लगी उन्हें पासे करे तो भैन भरावां नूं बेनती है कि वह कच्चे रस्ते दे विच कोई भी अपनी गड्डी डक्कण की खेचल ना करे जिम्मेवार सज्जना वालों यह अनाउंसमेंट करवाई गई है इन प्रवान करिया जे आओ सा संगत आप जी के सामने
जिस बंदगी वाले पुरख की याद विच भावना नाल बैठे हो उस महान तत् बेते साधु दे पवित्र जीवन विचों मैं कुछ कहन लगा हाँ। पिछले साल भी इस तीर्थ की यात्रा करन दा सुभाग समा संत महापुरख बाबा हरपिंदर सिंह साहब जी उन्हां दे हुक्म नाल गुरु की संगत ने बख्शिश करके नवाजिया सी और इस वार भी उचेचे तौर उत्ते फिर तुसां याद कीता है। जिहड़े संपूर्ण जीवन वाले लोग हुंदे है जिन्हां अपनी उम्मत नूं अपने समाज नूं अपने खिते दे लोगां नूं कुछ दिता होवे जिन्हां दी देन होवे मेरे वर्गा अधूरा बंदा है। ऐसे पूर्ण पुरखां दी उपमा ना लिख सकदा है ना ही बयान कर सकदा है। गुरु ने जो उद्यम बल बख्शिश कीता गुरु दी रजा च इतिहास विच्चों जो मैनू लब्भा है मैं उह सच आप जी दे सामने दी असीस लईए बाबा सालू जी दी सानू स्वास सफलियां बनाउण दा सानू जीवन दियां चंद घड़ियां सवारन दा मौका अज दाते दे रहमो कर्म दा सदका प्राप्त होया है। ये वक्त अजाई ना जाए आपा उस महापुरख दे पावन जीवन तो चानन लैके उहदी असीस लैके स्वासा नूं सफलियां बनाउणा है और अपने जीवन नूं सवारना है। किते किते विरले विरले ऐसे पुरख जमाने च प्रगट हुंदे है उहनां दी आमद फिर ऐसी मोहर बन जांदी है क्यामत तक उहनां दीआं यादां लोक मनाउंदे है ते असीसां लैंदे है। बहुत पुराणी गल है मालवे देश विच इक टब्बर वसदा सी। मैं कई बारी सोचदा हुंदा है मनुखी चेतना कुछ चीज़ां नूं तय कर लैंदी है और उन्हां दा विश्वास मोर बन के साबित हुंदा है उन्हां दा यकीन उन्हां दा अकट भरोसा उन्हां दा अकीदा उन्हां थावां उत्ते बन जांदा है। फिर किरत कमाउण वाले लोग जिथों उन्हां दी आस्था प्रवान चढ़दी है जां जिथे उन्हां दा अकीदा पक्का हुंदा है उस स्थल दी यात्रा भी करदे है किरत दी माया भी भेंट करदे है समाज दी सेवा भी करदे है ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਐ ਨਿਰਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਾਢੇ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਧੌਂਕਲ ਉਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਰੀਏ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਵਰੀਆ ਕੌਣ ਹੈ
कट्टड़ मुसलमान विच ते सरवरीए विच जिहड़ा भेद विद्वाना ने दसिया है वह मैं बयान लगा है। जिहदी सुन्नत है, सुन्नती मुसलमान है, इस्लाम विच जम्मिया है, पंज नमाजां पढ़दा है, वह मुसलमान मोमन है। सरवरिया वह है जिहड़ा नमाजां नहीं पढ़दा पर वीरवार चमुखीए बालदा है। चमुखीए तो भाव है चिराग, ते वीरवार भुंजे सौंदा टब्बर, और साल विच एक दिन धौंकलो संघ लैके जांदे है क्योंकि उन्हां दी आस्था दा केंद्र है। जदों संघ लैके जाना है, संगत लैके जाना है, लोकां दा वहीर लैके जाना है, फिर वो लोग आपदी आस्था दी हरीज दे अनुसार एक बहुत वड्डा रोट पका के सखी सरवर दे मेले उत्ते जांदे ते उत्थे चढ़ा के आउंदे आ। रोट पकाउण दी भी विधि इतिहास विच दसी है। जिहड़े सरवर नूं मनदे है, सरवर दे पुजारी है जां सरवरीए है, वह फिर मणा मूही बालन धरती ते सुटदे आ ते उहनूं अग ला दिंदे आ। लकड़ा मग मग के धरती जदों ऐन तपके अग वर्गी बन जांदी आ ना, फिर उहदे उत्ते बहुत वड्डा रोट पकाया जांदा है ते आस्था दे नाल उहनूं सुचम रख के बन के सिर ते चुकिया जांदा ते मुड़ के धौंकल दी यात्रा कीती जांदी है। मालवे दी धरती ते रहण वाला एक सरवरिया परिवार है जिहदी मैं कहानी आप जी दे कर कमलां च आरंभ लगा हां। मैनू याद है जदों इसे दीवान ते हाजरी भरन लई पिछले साल बाबा जी हुणां दा हुक्म लगा, समागम तो एक दिन पहला मैनू रात नूं कॉल कीती बाबा जी हुणां दे सिंघां ने, कहिंदे साडा जथा बुक कीता पर उह टाला कर गया है, तुसां हाजरी भरनी है ते प्रसंग बाबा सालू जी दा सुनना है। मैं कहा भाई साहब मैं लिखिया नहीं। बाबा जी हुणां हुक्म लाता, कहिंदे वी चार घंटे रात नूं ला लो ते चार तड़के ला लिया जे तुसीं लिख लेना सानूं भरोसा है। इह साधू दा वचन सत हो गया इक्के रात च। मैं लिखिया गड्डी च आउंदिआं नाल दिआं नूं पढ़ाया ते असीं पिछले साल इह प्रकरण स्टेज तों पढ़ के गए। बाबा जी ने इस वार भी हुक्म लाया सी भी उस हकीकत नूं इतिहास दे तत्थ नूं संगत विच जरूर रखियो, ते मैं तरतीब वार जिन्ना क समां तुहाडे पैरां दे जोड़े झाड़न लई मिलिया मैं इतिहास दे उह पत्रे बयान करने चाहुंदा है। आरंभ करन लगा हाँ। मालवा देश है और उत्थे इक टब्बर वसदा है जिहड़ा सखी सरवर दा पुजारी है। उहदी कहानी सभरावां वाला कवीशर जथा हे इउं बयान करदा। सुनो सनावें संगते गल बड़ी पुरानी, सरवरीए परिवार दी एक कहानी। ओ दौला कंगरा पिंड है मुगसर दे लागे, भाग चिरां दे सुत्तड़े हाले नहीं जागे। वजे तारी वालिया ना पाई दियाला, करन जातरा जामदा ओ तंकल बाला। ओ पैरोकार सुल्तान दे ओ बाले पक्के, जांदा जीवन बीतदा सी खा खा तके। जीवन साथन ओ सदी सुख देवी कहिंदे, नाम ते आउंदे पीर दा ओ उठदे बहिंदे। ओ नित चमुखिए आलिया नित चमुखिए आलिया विच रहिंदे जगदे, लट लट पए चिराग सी कर दे विच मगदे। वी
ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੰਜੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੀਰ ਦੀ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਗ ਮਚਾ ਕੇ ਰੋਟ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਉਹ ਧਰਤ ਤਪਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਗਾਜੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਦਵਾਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਥਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਰਾ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਬਾਲਨਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਬੁੱਢੇ ਖੋਲੇ ਔਰ ਰੋਟ ਚੜਾ ਕੇ ਰੁੱਸਿਆ ਉਹ ਪੀਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰੋਟ ਚੜਾ ਕੇ ਰੁੱਸਿਆ ਉਹ ਪੀਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜੈ ਜੈ ਕਈ ਕੇ ਪੀਰ ਦੀ ਉਹ ਛੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਪੇਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਜਾ ਜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਤੱਫੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਦੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਘਟਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਪਰੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੋਲ ਦੀ ਸੰਗ ਮੁੜਿਆ ਜਾਵੇ ਮੁੱਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੱਥੀ ਸੇਵਕ ਮਾਰਿਆ ਪੱਕਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਰਸਨਾ ਮਿੱਠੀ ਉਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਮਿੱਠੀ ਉਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਾ ਰੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦਾ ਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਰਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਓ ਲਿਖ ਸੁਭਰਾਈਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਤਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਇਹ ਕੁੰਬਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਲਾ ਕਿੰਗਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਰਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੁਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਧੌਂਕਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੂਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਨੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹੈ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਆ ਕਿਰਤੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਰਤੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹੈ ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਰਤ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਖਰਚਦੇ ਹੈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਰੁੱਠਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੈ
ये चंगे कारज ने जिहड़े साडे वड्डियां दे समाज दे भले लई साडी सुरत विच सुरे है। असी गुरु नानक दे पैरोकार हां, तां करके इहो जे समाज दे कारज सेवा दे कारज असी करके जीवन नूं सवारदे आ। जिहड़े कराए पै जांदे आ लोक सच जाणियो, ਉਹ ਫਿਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਧੂਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਲੋਕ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ, ਔਰ ਪੀਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ। आस्था विश्वास से एक घटना वापरती है सिख इतिहास के अनुसार। जब ये संघ लैके फिर परिवार वापस आ रहा सी ना, सिख स्रोत कहिंदे है अमृतसर गुरु का चक, अज अमृतसर कहिंदे आ, पर जब ये शहर वसिया उहदे दा नाम सतगुरु गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह महाराज ने गुरु का चक रखिया सी। गोइंदवाल जदों गुरु अमरदास महाराज ज्योति जोत समा गए ना, जेठा जी गुरु रामदास बने गुरगद्दी ते बैठे, गुरु अमरदास महाराज ने आख्या से गोइंदवाल छड़ के गुरु का चक आबाद करो, उत्थे सेवा ते धर्म प्रचार का केंद्र स्थापित करो। इहदा एक इतिहासक कारण यह भी है, जदों गुरु अमरदास गुरगद्दी ते बैठे से गुरु अंगद साहिब महाराज जी दे साहिबजादे बाबा दातू ते दासू जी उन्होंने महाराज का विरोध करता से। जदों फिर गुरु रामदास महाराज नूं गद्दी ते बिठाया, तीजे पातशाह हदायत कर दित्ती, तुसीं गुरु का चक आबाद करो ते धर्म प्रचार दा केंद्र स्थापित जाके करो। महाराज जाणदे सी जे साडा विरोध होया है कोई गोइंदवाल इन्हां दा ना करे। चौथे शहनशाह गुरु रामदास पातशाह महाराज ने फिर गुरु के चक दी मोहड़ी गढ़ के ये महान नगर आबाद कीता, जिन्हों अज अमृतसर सिफती का घर आख्या जाता है। नवे पिंड वसाउण की परंपरा, सत्कारयोग खालसा जी, ये दीन दुनिया के मालक गुरु नानक देव पातशाह महाराज के युग च आरंभ हुंदी है। रावी के कंढे महाराज करोड़ी की जमीन च एक पिंड आबाद करते हैं, उहदा नाम करतारपुर रखते हैं। करोड़ी की रीत सी भी नानकपुरा पिंड बनिया जाए, क्योंकि उन्हें जमीन दिती सी महाराज। असी भी सेवा करते हैं तो कई बार शर्त रख के करते हैं, बच्चा बाहर चले जाए सुखनी साहब का पाठ करावे वरना गुरुद्वारे के लागों नहीं लंघना। करोड़ी ने जमीन तो देते, नाल शर्त रखती भी इतने नानकपुरा पिंड वसाओ महाराज अपने नाते। गुरु जी हस के कहिंदे सेवा भी करदा है तो शर्तां भी रखदा है, ये दो गल्लां गुरु नानक दे घर विच प्रवान नहीं। वह सियाणा सी, कहिंदा महाराज शर्त नहीं रखदा कोई, जमीन ले लो तो पिंड वसा दिओ। गुरु नानक साहब कहिंदे फिर असी करतार दी याद विच करतारपुर साहब दा निर्माण करांगे। अज इत्थों दा लांघा खुला है, असी दर्शन करके आउने। करतारपुर साहब करतार दी याद विच महाराज ने वसाया, वार दिता, जिहड़ा करतारपुर दा दर्शन करेगा उह करतार नाल जुड़ जाएगा। बरकत है उस तीर्थ दी। गुरु अंगद साहब महाराज खडूर सिखी का प्रचार करते रहे, युग गुरु अमरदास महाराज का आया। गोंदे खतरी की जमीन में उन्होंने श्री गोइंदवाल साहब आबाद किया, तो गुरु अमरदास महाराज फिर उत्थे ता हजाती टेक के सिखी का प्रचार करते रहे। चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज गुरु के चक का निर्माण करते हो, बीबी रजनी वाली जी घटना वापरी, वो तो बाद फिर महाराज ने सरोवर की सेवा की। जदों आप अमृतसर तीर्थ के दर्शन कर जाने ना, अकाल तख्त साहब रचना है छेवें पातशाह, हरी मंदिर साहब रचना है दीन दुनिया के मालक गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज की, पवित्र सरोवर ये रचना है चौथे नानक धन गुरु रामदास पातशाह महाराज की, इतिहास में लिखा है ये नगर भी चौथे नानक धन गुरु रामदास पातशाह महाराज ने अपने जीवन में वसाया। आ फिल्म बनी है बीबी रजनी के उत्ते, बहुत ने विरोध किया, यह कह के भी तो हो ही नहीं, पट्टी कदे जाओ स्टेशन दे लागे बीबी रजनी का गुरुद्वारा साहब बनया होया है,
जिहड़ी अरदास बंदा करदा उत्थे परवान चढ़ जांदी। बीबी रजनी दे कुंभे विचों परिवार विचों विशाल कुमार हुणी बहुत वड्डे कारोबारी सेठ अज भी पट्टी विच रहिंदे आ, ते असीं इह दावे ठोकी जांदे आ वी कोई दुनी चांदी नहीं उत्थे होया ते कोई रजनी नहीं होई। साढ़े कहन नाल जां ना कहन नाल ना किसी चीज़ की सृजना होनी है और ना ही किसी चीज़ ने खत्म होना है। हकीकत साडा इतिहास दसदा है कि ये घटनावां इत्थे वापरियां। अमृतसर साहब का तीर्थ किन्ना महान है ये भी जिक्र करके मैं अगे वधना चाहुंदा है। गुरु नानक साहब के चरण भी उत्थे पए सन, गुरु अंगद साहब के चरण भी उत्थे पए जिथे हरिमंदर साहब है, गुरु अमरदास पातशाह महाराज के चरण उत्थे पए और चौथे नानक गुरु रामदास महाराज जी ने फिर उत्थे एक पिंड बन्निया। मैं दसना चाहुंदा जदों पहली उदासी का आरंभ करके गुरु नानक साहब तुरे से उन्होंने आके इत्थे पड़ा किया पानी की ढाब से, तो इत्थे तुंग पिंड का एक चौधरी है वह त्योली का कड़ाह बना के लिया महाराज के सामने धरिया। कीर्तन की समाप्ति करके गुरु जी ने छकिया तो संगत विच वरताया जिन्हें भी दो चार सेवक बैठे से, तो वर दिता गुरु नानक साहब महाराज ने इत्थे तीर्थ धाम बन गए, निरंतर देग वरत्या करेगी तो निरंतर कीर्तन होया करेगा। जाओ हरिमंदर साहब रात चले जाओ दिने चले जाओ, निरंतर ही कीर्तन होंदा उत्थे ते निरंतर ही गुरु की देग वरतदी। ये गुरु नानक साहब ने वचन किया ढाब के कंढे ते बह के। गुरु अंगद साहब उदों गए जदों गुरु नहीं बने उन्हां करतारपुर, गुरु नानक साहब का दर्शन करना सी उह पड़ा इत्थे करके गए से पानी दी ढाब दे किनारे दे उत्ते। ते गुरु अमरदास महाराज दे चरण इत्थे किवें पए, बेनती करदा जावां खडूर साहब दी गल जे। गुरु अंगद साहब महाराज दे पैर दे अंगूठे ते एक जख्म हो गया, वह इन्ना गंभीर बन गया बड़ा इलाज किया पर ठीक ना होया। सिखां ने आख्या महाराज ठीक नहीं हो रहा, किवें ठीक होएगा? गुरु अंगद साहब ने वचन किया कि जिन्हें सिख जगत दे तीजे पातशाह बनना ना उहदे चरण जिन्ना चिर उस थां ते नहीं पैंदे जिहदे वसण दा वर बाबा नानक दे के गया है। पाणी दी ढाब बेरियां दा झुंड है, उन्ना चिरे साढ़े पैर दा जख्म नहीं ठीक होना। बाबा अमरदास दी ड्यूटी लाई जाओ इस दिशा नूं, पाणी दी ढाब है इन्ने कोह ते आएगी खडूर साहब तो, उत्थे इस शनाख्त वाली एक बूटी है वह पुट के लियाओ असी रगड़ के पैर ते लावांगे फिर ठीक होएगा। बाबा अमरदास जी गुरु बनन तो पहला उत्थे आए जिथे सचखंड हरिमंदर साहब ते अमृत सरोवर है, जिहड़ी शनाख्त वाली बूटी दसी वह पुट के लै गए। गुरु अंगद साहब महाराज ने रगड़ के आपदे पैर दे अंगूठे ते लाई, वह जख्म ठीक हो गया। सिखां ने आख्या महाराज बूटी ते दुख भंजनी निकली, गुरु अंगद साहब का वार है। महाराज ने आख्या बूटी दुख भंजनी नहीं, वह धरती दुख भंजनी है जिथे तीजा पातशाह बनन वाला बाबा अमरदास आपदे पवित्र चरण पा के आया। ये महानता है श्री अमृतसर साहब की, अमृत सरोवर की, ते हरिमंदर साहब की। पिंड वस रहा सी, लोग सेवा में जुटे है और जिहड़ा धौंकल तो पिछे नूं मलवइयां दा संग मुड़िया ना, हुण जिहड़ी डंडी जिहड़ा राह जिहड़ा पया गुरु के चक वल जांदा है, खेतां दे विचों दी लंघदा लंघाउंदा। ते गुरु रामदास महाराज दे सेवक जदों उहनां डंडियां तो लंघदे आ ना, उह सतनाम वाहिगुरू दा जाप करदे अमृत चर चर करके वहिंदा है सेवकां दी रसना तो। ते जिहड़े सरवर दे पुजारी आए जदों उहनां दे कन्नां विच अमृत नाम दी आवाज़ पई, सच जाणियो नाम दी बरकत ने ऐसी शीतलता वरता दिते, ओ खिचे होए गुरु रामदास पातशाह महाराज दे चरणां विच आए। जदों वेखियां लगियां रौनकां भुल गया सरवर, ए फिर बन गए गुरु रामदास पातशाह महाराज दे सिख। तकीए भाई दयाला और उहदा परिवार अमृतसर आ के गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की सिक्खी नूं किवें समर्पित होया इहों पेश कीता जा रिहा है। शेर सबर यारे हा सच लेख जी, हाँ जी सच लेख जी, भाई दयाल सज गया गुरु दा सिख जी, हाँ गुरु दा सिख जी। हर सन वह गुरु दा नाम लैण जी, हाँ जी नाम लैण जी, सिमरन सेवा विच रुझे रहण जी, हाँ जी रुझे रहण जी।
चौदह सू भागा वाला दिन चढ़िया, हाँ जी दिन चढ़िया, फिर लेके खुशियां यो वेड़े वड़िया, हाँ जी वेड़े वड़िया। माता दस दे दी सफल कोख जी, हाँ सफल कोख जी, पुत कार जम्मे आते मिटी भुख जी, हाँ जी मिटी भुख जी। नाम दिता ताई सालो जी, हाँ जी सालो पाई जी, बहुत वड्डी जी दी काल ते कमाई जी, काल ते कमाई जी। वापरिया आल के समें दा गेड़ जी, हाँ समें दा गेड़ जी, अमृत सार देह ऐन नेड़ जी, हाँ जी ऐन नेड़ जी। साखियां दे विच विद्वान दस गए, विद्वान दस गए, माल वेचों उठे ते मजीठे वस गए, हाँ मजीठे वस गए। हर पास उच्चा सतकार हो गया, सतकार हो गया, गुरु नाल जदों दा प्यार हो गया, हाँ प्यार हो गया। दिने रात रहिंदे वह गुरु त्यावंदे, वह गुरु त्यावंदे, सच्ची सुची हथी कीरत कमावंदे, कीरत कमावंदे। कम गुरु एथे कार तक सानी दा, कार तक सानी दा, फड़ लिया पल्ला सी गुरु की बाणी दा, हाँ गुरु की बाणी दा। अमृत सर पाई सालो रह गया, पाई सालो रह गया, अमृत सर पाई सालो रह गया, पाई सालो रह गया, गुरु साहब नाल सी प्यार पै गया, हाँ प्यार पै गया। जाना दरबार साहब नजदीक जी, हाँ जी नजदीक जी, टोबा पाई सालो दा है अजे तीक जी, हाँ अजे है तीक जी। भाई जी ने इत्थे वक्त गुजारिया, वक्त गुजारिया, नालिया पत्रे ते लखन उतारिया, हाँ लखन उतारिया। इत्थे आप आके पंजवें दतार जी, पंजवें दतार जी, इस थानु हार बाकी शेष मार जी, बाकी शेष मार जी। टोबे विच टुब्बी जेड़ा आन मारूगा, जेड़ा आन मारूगा, नौ बर नौ जीवन गुजारूगा, जीवन गुजारूगा। टोबा पाई सालो दा तरत पाक जी, हाँ तरत पाक जी, सुके जिथों हरे जी। थोड़िया नू मिलू एथों दुध पुत जी, एथों दुध पुत जी, घर फेरा पाऊगी बसंत रुत जी, हाँ बसंत रुत जी। सुनियो सुनावा सुनियो सुनावा एक गल कम दी, एक गल कम दी, हथां उत्ते सरों उस थां तों जमदी, उस थां तों जमदी। शेर सबर आइया शेर दा नया गया, शेर दा नया गया, मंग के मरादा इस दरों पा गया, इस दरों पा गया। ओ पाथियां दा आन टुकड़ा चढ़ाया है, चढ़ाया पाथियां दा आन टोकरा चढ़ाया है, टोकरा चढ़ाया है, साहब जीत सिंह इथों ही खड़ाया है, इथों ही खड़ाया है। बड़े सत्कारयोग सरदार सरवण सिंह जी, 200 दमड़ा प्यार उन्होंने भेजा है। ये माया पंथ दे महान कवीशर ज्ञानी जरनैल सिंह सभरावां वाले मेरे पिता जी, उन्हां दी याद विच वीर जी हुणां ने भेजी है, ते नाल ही सिख जगत दे महान कवीशर ज्ञानी अमर सिंह मनियाले वाले, उन्हां नूं याद करदे आ उन्हां दे पवित्र नां तों वी भाई साहब हुणी प्यार भेज के गए ने। यह आस्था यह मुहब्बत कौम दे विछड़ चुके कवीशरां दे प्रति इन्हां दे दिल वी ठाठा मारदी है।
गुरु साहब तंदुरुस्ती बख्शिश करने धनवाद कर रहे सी भी मैनू कलम ते दुआत उन्होंने बख्शी है। ज्ञानी जरनैल सिंह सभरावां ते ज्ञानी अमर सिंह मनियाला का जिक्र करके गए ने। भाई साहब हुणां दा सत्कार करदा है और धनवाद करदा है। नाल ही भैन जी राज कौर अरदास है बाबा सालो जी दे पावन दर उत्ते वाहगुरु पुत्र की दौलत बख्शिश करके करतार्थ करन दुआ करदा हाँ। जिन्नी संगत बाबा सालो जी दे तीर्थां दी यात्रा करन वास्ते सिदक नाल पहुंची है, जेड़ी भावना लैके बैठे हो सतगुरु सारियां दी मुराद पूरी करन मिठियां दौलतां बख्शिश करके करतार्थ करन, सारी संगत एक बार गज के कह दिओ नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। गुरप्रीत सिंह साहब जी पिंड डालेके उन्हां वल्लों भी बहुत वड्डा सन्मान हाजिर है, तहि दिलों धन्नवाद करदा हाँ। सतगुरु हाजरी दर प्रवान करन ते चढ़दी कला दी दात बख्शिश करके नवाजन। सरवरिया परिवार गुरु रामदास पातशाह महाराज दा सिख बन गया, मालवे तो अमृतसर आना सेवा करनी फिर चले जन, समा पा के एक घराणा मजीठे पिंड विच आ के आबाद हो गया। अज भी बाबा सालो जी की उम्मत विचों माणयोग महापुरख बाबा हरपिंदर सिंह साहब जी और सारा परिवार बड़े सिदक नाल बाबा सालो जी दे इन्हां अस्थानां दी सिदक नाल सेवा करवा रहा है और गुरु के पंथ का राह रछना रहा भावना नाल सेवा करके। बाबा सालो जी अमृतसर साहब की पवित्र धरती ते टिक गए। बाबा जी दे पिता बाबा दयाला जी माता जस देवी जी सितंबर 29, 1554 ये दिन बनता है जदों इस संसार दे उत्ते एक तपीसर भाई सालो दे रूप विच प्रगट होया और जिन्हें सिखी की खातर बहुत वड्डी काल काली। अज जदों आपां दरबार साहब के दर्शन करन जाने आ ना भीड़े बाजार थोड़े लंघ के गुरद्वारा टोभा भाई सालो दा आउंदा है उत्थे भी तुसीं दर्शन कर दिओ। मैं आपदी जिंदगी विच वरतिया करिश्मा पिछले साल भी दस्या सी स्टेज तों ते अज भी तुहानूं दस दिंदा है। मेरे घर 3 पचंगणा तों बादा पचंगी ने जन्म लिया, 3 मेरियां बेटियां सी, बेटा मेरा इको है। सुभाव एवें बनिया भी सानू किसी ने राह दसेरा बन के राह दसिया भी जाओ दरबार साहब इशनान करन तों बादा भाई सालो दे टोभे चले जाना है। उदों मैं जे कवीशर नहीं सा बनिया जदों की गल है, असी आए गुरद्वारा टोभा भाई सालो जी अमृतसर साहब की धरती ते उहदी मर्यादा है, पाथियां चढ़ाइया जांदियां है, गुरु के अरदासीए सिख अरदास कर दिंदे है, रब प्रवान कर लैंदा है। तिन्ना धियां तों बाद असीं दोवां जीआं ने आके उत्थे पाथियां चढ़ाइया जो उस स्थान की मर्यादा है और गुरु के अरदासीए सिखां ने अरदासा सोधिया। 3 पचंगणा तों बाद मेरे घर एक पचंगी ने जन्म लिया, उहदा नाम मेरे पिता जी ने साहिबजीत सिंह रखिया है। हुण उह लगभग 17 सालां दा चलिया जे, इह किरपा है इस दर दी इस घर दी। ते जदों बाबा हरपिंदर सिंह साहब उहनां नूं पता लगा ना वी अमरजीत सिंह दे घर जिहड़ा पचंगी उह बाबा सालो जी दी असीस दा सदका पैदा होया, इत्थों सिंह भेजे आ मगर बैठा मेरा वीर हरजाब सिंह ते नाल इन्हां दे होर सिंह चेची मेरे कोल सभरावीं गए। मैनूं कहिंदे वी बाबा जी ने सानूं भेजिया है भी साहिबजीत सिंह बाबे सालो दे घराणे दा है जिन्हें तुहाडे घर जन्म लिया, मेरे पचंगी नूं सरोपा बख्शिश करके महापुरखां दी तरफों नवाज किया है। ये करिश्मे ये करामातां ये अजमतां जदों टुट्टे हिरदे सिदक नाल आ के चुक के किसी पैगंबरी आत्मा के दर उत्ते नमन करते हैं ना फिर भाग खुल जाता है। बेनती कर रहा सां बाबा सालो जी गुरु के चक का निर्माण हो रहा इत्थे टिक के सेवा करवा रहे ने। गुरु रामदास पातशाह महाराज दियां रहनुमाइयां, गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज दियां रहनुमाइयां, गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज दियां रहनुमाइयां बाबे सालो ने आपदे जीवन विच माणियां। बाबा सालो
वो कर्मा वाला महान सिख सेवक है गुरु नानक दे करदा। जब उन्हें शरीर त्यागिया तो छेवें पातशाह ने उहदियां अंतम रस्मां निभाईआं सन। यह गुरु नानक दे घर की मुहब्बत सी बाबा सालो जी दे। जदों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की बरात चढ़ी सी ना गुरु के चक तो ढका होना सी डल्ले सुल्तानपुर लोधी दे लागे लोइयां दे लागे आ डल्ला पिंड 72 गुरसिखां दी करम भूमि और तपो भूमि माता दमोदरी जी का उपेका पिंड से नारायण दास जी की पुत्री सी। बाबा सालो भी बाबा बुढ़ा भाई गुरदास साई मियां मीर उस युग दे बहुत महान तपस्वी सेवक गुरु नानक दे घर दे छेवें पातशाह की बरात विच शामिल होए ते बाबा सालो भी नाल गया सी। जदों छेवें पातशाह का विआह हो गया ना डल्ले पिंड वालियां ने गुरु अर्जन देव महाराज नूं आख्या सच्चे पातशाह बरात आए जे लैके शहजादे का विआह किया हुण तुसीं बरात लैके वापस चले जाणा है। इस विआह की निशानी ते तुहाडी आमद की जात की निशानी कृपा करके सानू बख्शिश करके जरूर बख्शो। उस इलाके का पानी खारा से फिर टप ला के गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज बौली का निर्माण करते डल्ले पिंड जिन्हों बनद्या उस युग च लगभग 3 साल का समा लगा। ये माण बाबे सालो नूं दिता गुरु अर्जन देव महाराज ने डल्ले पिंड की जिहड़ी बौली बनी आसू की मस्या का मेला लगता उत्थे बाबा सालो की रहनमाई च सेवा का बहुत वड्डा कारज उस मौके पर गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने करवाया। ये वडियाई है बाबा सालो जी की। गुरु का चक वसिया ते 52 धंधियां नूं समर्पित लोग बाबे सालो की प्रेरणा का सदका गुरु के चक विच आ के आबाद होए सन। बाबा सालो सिखी प्रचार विच योगदान पाउण वाला बहुत पजनीक ते महान महापुरख है। जदों फिर सरोवर नूं पक्कियां करन दी सेवा उस मौके ते चल रही सी ना हकीकत ते वर्खा इन्नी ज्यादा हो गई सुके बालण दी किल्लत आ गई। सच जाणियो लंगर भी मस्ताने हो गए आवे भी नहीं चढ़ते इटां पकाउण वास्ते। बाबे सालो ने गड्ढे जोड़ लए अमृतसर दे इर्द गिर्द दे जिन्ने भी नगर ने उन्हां पिंडां दे विच बाबा सालो चलिया गया जाके गुरु के सिख ने होका दिता संसार दे लोगो तुसी गुरु नानक दे किरती सिख हो नाम जपण वाले किरत करन वाले ते वंड के छकन वाले। ये गुरु नानक दे घर की आवाज है सालो की आवाज नहीं। ओए दुनियादार लोग गुरुद्वारे च बालण की किल्लत है आवे नहीं चढ़ रहे लंगर मस्ताने हो गए। जिहड़ा सुक्का बालण लियाएगा जे कोई एक पाथी देगा उहदे घर विच एक पुत्र होएगा जे कोई दो देगा उहदे घर विच दो पुत्र होणगे। गल शुद्ध हिरदे की ते गल पवित्र भावना की है। बाबे सालो ने सरोवर दे पक्कियां करन दे जदों सेवा चल रही सी ते बालण दी आ गई किल्लत फिर वह काल बाबे सालो ने किवें घाली है उस वक्त का वेरवा इस कविता दे विच इउं बयान किया जा रहा। शीतल सवरन दी सेवा चक गुरु के चले दर सच्चे सतगुर दे शरदा बन ने अमले तन सफल बनावण लई कर दे सी श्रद्धालु सेवा सेवा दे बदले ही मिलदा गुरु दुमारियों मेवा। एक बारी अचानक सी सुक्का बलन पै गया वादे आवे भी चढ़ देना ते न पक रहे परशादे सिख सेवक कर देसी एथे आपस विच दी गल्ला संकट विच खटीगा केड़ा सिख गुरु दियां पल्ला। फिर भाई सालो ने दित्ती वैज जोड़ ले गड्डे उन्ने कमर कस लिया उच्ची फेर ज करे छड्डे लाग लिया पिंडा च लाग लिया
पिंडा च दिता सिख गुरु के होका विच गुरु द्वारे दे बालन सुक्का चाहिए चोखा। जद चल मदम वेखी सेवादार कोई न आवे फिर गुरु भरोसे दी मूर्त पई सालो फरमावे। एक सुक्की पाथी दे बदले अमड़ी पुत खड़ाऊ जो सेव कमावेगा खाली ना परत के जाऊ। पिंडां दे लोकां ने सुनिया भाई सालो दियां गल्लां शरदा दे सागर ने मारियां हर हिरदे विच छल्लां। बाहर घरां चों गए सारा सुक्का बालण लईके सब गड्डे ला दित्ते शरदावाना ने सच कही के। फिर मोड़ महारां नूं भाई जी अमृतसर विच आए आवे भी चार दिते लंगर मस्त सी फेर चलाए। सारे ही करन लगे सारे ही करन लगे पाई सालो दी वड्याई गुरसिख प्यारे दी तन तन सारे कहन कमाई। फिर पंजवें सतगुर ने सद्या कोले सिख प्यारा हसी आख्या सालो जी ए वरताया की वरतारा। आख्या सालो ने मेरा सतगुर सब तो उच्चा ओ पा मरा दालू हिरदा जिन्ने रखिया सुचा। लै छाती सालो नू पंजवें सतगुर मुखों बोले कंड थापड़ सेवक दी गुजे पेत दिलां दे खोले। सच्चे जावणगे जेड़े बचन कहेगा सिखा कुला वी तारेगा नाले आप तरेगा सिखा। जो तेरे दरी उत्ते जो तेरे दरी उत्ते शरदा नाल चल के आऊ पाथियां दे बदले ओ भगता सचमुच पुत खड़ाऊ। शहरी सबराइया कहे तेरी अजमत बरकत वाली जो आऊ टोबे ते मुड़दा नहीं सवाली खाली। भैन दी अरदास है भी बेटी बोल नहीं सकती गुरु कृपा करे बच्ची बोलन लग पवे ये भावना नाल अरदास करवाई जा रही है। वाहगुरु मुराद पूरी करन चढ़दी कला दी दात बच्ची नूं बख्शिश करके नवाजण। भैणां दी अरदास है पोतरे दी दात मंगी जा रही है। बाबा सालो जी दे पावन तीर्थ दी यात्रा करदिआं सतगुरु सारे सेवकां दीआं खाली झोलियां भरन कोई थुड़िया ना रहे देश विदेश अंदर वाहगुरु सफलता कामयाबी बख्शिश करके नवाजण। चरणदीप सिंह अते चरणप्रीत कौर उन्हां दे घर पुत्र दी दात भैणां वल्लों मंगी जा रही है सतगुरु मुराद पूरी करन। इहो दौलत है बंदा किन्ना भी अमीर होवे ना पैसा खर्च के ये नियामतां नहीं लभदियां। जिहड़ी चीज़ पैसे ना मिल जाए वह वस्तु हो सकती है दात गुरु की कृपा ना मिलती है। दात अकाल पुरख वाहगुरु दयाल होवे ते मिलदी है। पैसे ना चीज़ां खरीदियां जा सकदियां कदे दाता नहीं खरीदियां जा सकदियां। तुहाडी यात्रा प्रवान होवे वाहगुरु तुहानू सारियां नू सदीवी चढ़दी कला च रखण मुरादां पूरियां करन। बाबा सालो जी गड्डे जोड़े लागले पिंडां तों सुक्का बालण लैण वास्ते चले गए। होका दिता और रब दे प्यारे हो गुरु नानक दे घर च सुके बालन दी लोड़ आए कोई ना निकलिया घरां चों बाहर। वो महान गुरु का सिख रब दी भगती करन वाला गुरु रामदास पातशाह महाराज दा प्यारा गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज दा प्यारा उन्हें आख्या जिहड़ा फिर एक पाथी देगा एक पुत खड़ाएगा जिहड़ा दो देगा वह दो खड़ाएगा। फिर थोड़िया घरां दे कुंडे खुले लोग सुक्का बालना लै लैके घरां चों निकलदे आए गड्डे लद दिते गए
महारा मोड़िया पिछे वल गुरु के चक विच बाबा सालो पड़िया मस्त लंगर भी चले और आवे चढ़ गए इट्टां पक्कन लगियां ताल सवारन दी सेवा बहुत वड्डे पद्धर उत्ते चल रही है और हर सिख हर सेवक हर श्रद्धालु आपदी रसना तो यह गल कहिंदा है उदम बाबा सालो ना करदा ते सेवा दे कारज होर पछड़ जाने सी सिखा ने जाके दीन दुनिया दे मालक गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी दे सामने जेड़ी हकीकत लागले पिंडा च वरती है उदे बारे दस्या महाराज जदों आवाज दिती ते कोई नहीं निकलिया बालन लैके फिर बाबे सालो ने ना आख्या जिहड़ा पाथियां चढ़ाऊगा वह पुत्र खड़ाऊगा हुण सच जाणियो जे तर्क अज ते उस युग विच किहड़ा ना होएगा यह सवाल उन्हां लोकां नहीं प्रचारिया जेड़े गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने इस पक्ष दे नाल यह गल दस रहे सी कि सालो ने तो आह गल कहती बाबे ने पिंडां विच जाके गुरु साहब ने आख्या गुरु के सिखो ये भरोसे वालियां दे संसार दी गल है जेड़ा बचन बाबा सालो कराया गुरु क्या दे नाल गुरु की संगत दे नाल उहदी रसना ते रब दा वास है सालो दे बचन सदा अटल होया करनगे जेड़ी गल बाबा सालो अपनी जबान तो आखदिया करेगा उहदा ओ वाक पूर्ण सत होया करेगा ये वडियाई पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने बाबा सालो जी नूं बख्शिश करके कृतार्थ कर दिता सिख इतिहास कहिंदा है अमृत वेले उठना इशनान करना चौंकड़ा गड के बाणी पढ़नी तब करना साधना करनी और मुड़ के जिहड़ा समा मिलना ना बाबा जी नूं बाबा सालो जी नूं ਉਹ ਫਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ 'ਚ ਬਹੁਕਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਸਾਲੋ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਨਿਆਮਤਾਂ ਏ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਨ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ और रसना ना जपया हुआ नाम यह बंदे दी आत्मा दी मैल धो के रख दिंदा सेवा भागां वाले करदे है जदों गुरु बल बख्शिश करे फिर इहो जी सेवा हिस्से हुंदी अज भी दरबार साहब जाओ उत्थे जोड़े घर च सेवा करदे लंगर दे बर्तन मांजन वाले सेवादार सेवा करदे करदे वाहगुरु जपदे उह नहीं वेंदे साडे कपड़ियां ते जूठा भोजन डुलदा है जां की हो रहा है भावना है सेवा दी सिदक नाल वाहगुरु जपदे जिन्हां ते रब दी कृपा सेवा करके मेला लुट के लै जांदे बाबा सालो सेवा करदा सी लोक जाणदे इह तपीसर बिरती वाला रब दी बंदगी वाला पुरख है ते सारे सिखां नूं पता है कि जिहड़ी वडियाई वड्डी सेवा करके बाबे सालो ने प्राप्त कीती है इहो जी वडियाई सारिआं दे हिस्से नहीं आउंदी जिथे आम लोग इलाके दे लोग यात्रा नूं जांदे आ उत्थे दूर दराडियों में शरदावान दरबार साहिब दे दर्शन करन वास्ते वहीरां घत के आउंदे अज भी आउंदे बाहरले देशां तों दुनिया दा कोई कोना इहो जिहा नहीं जिथों यात्रू नहीं आउंदे दर्शन करन वास्ते रौनक मेला वेखण वास्ते गुरु का लंगर छकण वास्ते गुरु अर्जन साहिब दा युग सी मध्य प्रदेश दे एक राजे दा जिक्र है ਇਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੀੜੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀੜੇ ਪਵਾ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
जदों परिक्रमा च उतरे ना दर्शन वेला करन वास्ते बाबा सालो बौकर मारदा सी उस बच्चे दा पैर बौकर नूं लग गया। जदों सरसरी झात पा के वेखिया ते कपड़े कुड़ियां वाले गुत्तां कीतियां, बाबा जी ने आख्या पुत्री बहारी नूं पैर नहीं लाईदा पासे हो जा। स्रोत दसदे है भी उस बच्चे की आवाज़ कुड़ियां वर्गी हो गई। बाबा जी सेवा करदे है, मध्य प्रदेश का राजा जदों आया इत्थे फिर किहो जी अलौकिक हकीकत वरती है इस कविता के रूप में मैं बयान कर लगा हाँ। इदों बाद एक वनगी होर इस प्रकरण नाल संबंध मैं पढ़ के फिर फतेह बुला देनी है। आओ तकिए मध्य प्रदेश का एक राजा लैके आपदे टब्बर नूं नाल गुरु के दरबार के दर्शन करन वास्ते जदों आया तो उहदे जीवन में वरतारा की वरतिया इउं पेश किया जा रहा है। राजा मध्य प्रदेश दा दर्शन नू आया, राजा मध्य प्रदेश दा दर्शन नू आया, ओ सारे परिवार नू सी नाल लियाया, ओ सारे परिवार नू सी नाल लियाया, ओ अपने राजकुमार नू अस खूब सजाया, अपने राज कमार नू अस खूब सजाया, गल विलखण ढंग दा लिबास पवाया, गल विलखण ढंग दा लिबास पवाया, ओ विच परिक्रमा आण के जद कदम टकाया, विच परिक्रमा आण के जद कदम टकाया, रब्बी पाने विच सी एक वरती माया, रब्बी पाने विच सी एक वरती माया, ओ सालो बौकर फेर देना उस तकाया, सालो बौकर फेर देना उस तकाया, शहजादे ने पैर जा झाड़ू नू लाया, शहजादे ने पैर जा झाड़ू नू लाया, ओ कुड़िए पैसे हट जाए सालो फरमाया, कुड़िए पैसे हट जाए सालो फरमाया, ओ तेरी इन्नी कहन दी उस रूप वटाया, तेरी इन्नी कहन दी उस रूप वटाया, ओ कुड़ियां वर्गी वाज विच बच्चा ततलाया, कुड़ियां वर्गी वाज विच बच्चा ततलाया, रंग ढंग बदले वेख के राजा घबराया, रंग ढंग बदले वेख के राजा घबराया, पंजवें सतगुर पास ओ पंजवें सतगुर पास ओ जाके कर लाया, पंजवें सतगुर पास ओ जाके कर लाया, अमरजीत सिया सतगुरा ने ढंग बताया, अमरजीत सिया सतगुरा ने ढंग बताया, शहजादे दा जदों बाबा सालू जी दे बौकर नूं पैर लग गया, कपड़े कुड़ियां वाले सी, महापुरख ने वचन कर दिता ओ पुत्री झाड़ू नूं पैर नहीं लाईदा। सच जाणियो साडियां साखियां विच लिखिया पी उस बच्चे की आवाज़ कुड़ियां वर्गी हो गई। हुण राजे ने पुत लियांदा सी गुरद्वारे, जदों ए अचरज बात वर्तदी वेखी ते राजा कहिंदे पैरां तो लैके सिर तक कंब उठिया, पुत्तां वालिओ जग दा पुत मेवा हुंदे मापिआं दी जिंद जान पुत्र, पुत परां ते उड़दी फिरे दुनिया मापे बुत ते विच प्राण पुत्र, जिउंदी जान सहारा ने जिंदगी दा मर गिआं दे पिछों निशान पुत्र, शीतल पुत्रां बाज ना सोहण बापे हुंदे मापिआं दी आन शान पुत्र,
राजे दा पुत राजे दा संसार सी। जदों आज दी कुड़ियां वर्गी हुई राजा कंब उठिया, चर्चा छिड़ गया, सारी परिक्रमा पिया भाणा वरत गया। महापुरख ने बचन करता है, इहदे कपड़े कुड़ियां वाले सी पर इहदी आवाज़ कुड़ियां वाली हो गई। राजा गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी के पवित्र चरणों में चलिया गया, मथा टेकिया, झुकिया सिदकना, गुरदेव दे मुबारक चरण आपदे हथां विच फड़ लए। सच्चे पातशाह वगिया हो गई है मेरे न्याणे तो। ते बाबे सालू ने आ बचन कर दिता, इहदी आवाज़ कुड़ियां वर्गी हो गई, इहदा हल करो। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने आख्या, तरीका असीं दसदे हां, जाना तुहानू भाई सालो दे कोलां दुबारा पएगा। कल नू उसे वेले जदों बहुकर मारन की सेवा करदा होवे, मुंडियाला लिबास पवा लिओ ते इहदा पैर उहदे झाड़ू नू लवायो, इहदे जीवन च बरकतां आ जाणगी। अगले दिन भी इसे तरह होया, उहदे कुड़ियां वाले कपड़े लाए गए, मुंडियां वाले कपड़े, क्योंकि हाए मुंडा सी। ते जदों फिर दुबारा मुंडियां वाले लिबास विच जाके उहने बहुकर मारदे बाबा सालू जी दे झाड़ू नू पैर ला दिता, ना उसे तरह आख्या, ओ काका झाड़ू नू पैर नहीं लाईदा। उहदी आवाज़ फिर मुंडियां वर्गी हो गई। बाबा सालू जी नू नमन कीता, गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज का शुक्र गुजारिया, और राजा आपदी अवग्या बारे कईयां नू ज्ञान दे के कहिंदा रहा, संसार दे लोक जदों हरिमंदर साहब दे दर्शनां नू जाणा ना, तुहाडे तो कोई अवग्या नहीं होनी चाहिए, जिहो जी अवग्या हुई उहो जिहा फल गुरु नानक दे घर विचों तुहानू प्राप्त होएगा। इह बाबे सालू दा इतिहास कहिंदा, वड्डी काल कमाई करन वाला, बंदगी दे राह ते चलन वाला महान पुरख, इहो जिहा रूहां रोज़ रोज़ संसार ते जन्म नहीं लैंदियां, किते किते विरलियां बंदगी वालियां मावां दी कुख तों इहो जे भजनीक महापुरख संसार ते पैदा हुंदे आ, ते जिहड़े सतपुरख फिर डुब्बियां नूं तारदे आ, टुट्टियां नूं जोड़दे आ, खाली झोलियां च बरकतां पाउंदे, जिहदे सिर ते हथ धर के असीस दे देना, जिहड़ा वाक रसना तों निकले ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੰਤ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਪਸਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਸਤਾ, ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੜਵੀ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਲੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਰੇਤ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਗਿੱਲੀ ਰੇਤ ਦੀ, ਫੇਰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ, ਫੇਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਢਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਸਵਾਲ ਸੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਢੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਢਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚੀ ਇਹ ਰੇਤ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਰਾ ਅਸਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਕਰਮੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰੀ ਰੇਤ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਦੋਂ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਰਾਣੀ ਨੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਧੂ ਨੇ ਰੇਤ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਇਆ, ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਸੌਂ ਗਏ।
सुते हुए राजे नूं एक सुपना आ रहा, एक ख्वाब आ रहा। सुपने च राजे की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। राज दरबार विच कोहराम मच गया। राजे की जदों मौत हो गई, वह जम लै गए, उन्हें नरक विच सुट लगे। एक पासे स्वर्ग का दरवाजा, दूजे पासे नरक का है। राजे नूं जम नरकां वल धक्कदे है। वह अड्डियां अड़ा अड़ा के जोर लाउंदा, कहिंदा मैं नहीं इधर जाना। स्वर्ग के बूहे वल झाती मारी, गां सामने उन्हें एक महल दिसिया। उस महल ते सुपने च राजा वेंदा पी उहदी राणी दा नां लिखिया, ते महल बड़ा खूबसूरत है। राजा जमा नाल डौणी पा के बह गया, आंदा नरक नूं नहीं जाना, मैं ते इधर जाना वे मेरी राणी दा महल। उन्हें आख्या, राजा ये संसार वो संसार नहीं, राणी तेरी होएगी जिहड़ी दुनिया च, ये ते तेरी मृत्यु होगी, ते तेरे कर्म दा फैसला है कि तू नरक दा भागी बनेगा, ये स्वर्ग दे महल तेरी तकदीर विच नहीं। जमा ना अड़ रहा इस जदो जहद। राजे की अख खुल गई, राजा नींद विचों जाग गया। जदों जाग आई तो राजा उस दुनिया में आपके महल में सुता सी। सुती राणी उठाया ला के कहिंदा, राणी मैनू बहुत डरावना सुपना आया, मेरी मौत हो जाती है, मेरी तकदीर विच नरक है, ते तेरे नाम का स्वर्ग विच मैं महल बनिया वेख के आया हाँ, एक करिश्मा की वरतिया। राणी की चेतना चो साधु का बोल गूंजिया, पुत्री स्वर्ग का महल है, करमां वालियां नूं मिलेगा, ते करमां दे हीने लोक रह जाणगे। उन्हें दस्या, राजा कल एक साधु वेखिया है दरिया के कंढे बैठा, उन्हें रेत का ढेर ला के उहदे ते नां लिखिया, ते उन्हें वर दिता सी वी मैनूं स्वर्ग विच मिलेगा। राजा कहिंदा वी चल उह साधु कोले चलिए। उठिया, इशनान पाणी कीता, ते तड़के सूरज चढ़दे ना साधु कोले चलिया गया। कहिंदा, बाबा मैनू भी स्वर्गां दा महल चाहिदा है। मैं बेनती करा, असी जिहड़े कर्म कमाउणे आ ना, इह कीमत अदा करदे आ, इहनां ने साडा अग्गा सवारना भी है ते विगाड़ना भी है। बुरे कर्म करांगे ते साडा अग्गा जिहड़ा उह सवरेगा नहीं, चंगे करांगे ते उह सवर जाएगा। कर्म बीज है, आपां धरती विच जिहो जिहा बीज बीजदे हाँ उहो जिहा उहदा फल जदों फसल पकदी ते आपां वढ लैंदे। कर्म भी बीज है, ये भुगतना पैना है मनुख नूं जिहो जिहा कर्म कमाएगा। साधु कोले जाके राजा कहिंदा, बाबा मैनू महल चाहिदा, ते साधु कहिंदा, राजा की कीमत तारनी पैनी है, तार देंगा ते मिल जाएगा। राजे राजे हुंदे है। राजे ने आख्या, बाबा कीमत किन्नी है? साधु ने आख्या, इहदी कीमत है अद्धा राजभाग। राजे दे पैरां दे थल्लों मिट्टी निकल गई। कल पंजां रुपईआं दा दे गया, ते बाबा लालची वड़ा ने अद्धा राजभाग मंग लिया। उहने आख्या वी नहीं, मुड़ जाने आ, वी पता नहीं इह मिलना जां नहीं। सी मुड़न लगा, फिर मनो आवाज, ओ राजा पता नहीं कल नूं साधु मिले जां ना मिले, दे अद्धा राजभाग ते लै लै, तूं एड्डी वड्डी सल्तनत दा की करना। जदों दूजी वारी राजा गया, साधु ने आख्या, राजा हुण इहदी कीमत होर वध गई है। राजे ने आख्या, किन्नी? साधु कहिंदा, हुण इहदी कीमत है पूरा राजभाग, जे खर्चेगा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। याद रखिया जे, जदों मनुख किसी तीर्थ धाम की यात्रा करता है, डबल माइंडड हो जाए, बचिती विच पै जाए ना, वह कदे खट्टी नहीं खट सकता। साधु नूं हर अख नहीं जे पछाण सकदी, साधु नूं भी कर्मां वाले लोग ही पछाणदे है। नहीं तो असी सोचते हैं भी जो कुछ असी कर सकते हैं वह ही साढ़े शहीद मरीद कर सकते सी, असी उन्हां दे जीवन दियां वह अमोलक साखियां उन्हां ते अज टीचा मारी बैठे हैं। साड़ी मत छोटी होण दा कारण है, राजा ना कीमत तार सकिया, राजा उस दात तो वांझा रह गया। कहण तो भाव यह है कि जदों संसार दे उत्ते बंदगी वाले पुरख पैदा हुंदे आ ना, उन्हां दा तप, उन्हां दी साधना उन्हां नूं फिर एक ऐसे रुतबे उत्ते लै जांदी है जिथे जाके ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਐ ਅਣਹੋਣੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਅਣਹੋਣੀ। ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐ। ਬਾਬਾ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ
तो मैं समझदा यह गल मेरे वर्गे अधूरे मनुख दे वस की गल नहीं। आओ अखीर विच उस भजनीक महापुरख दे जीवन उत्ते मुकम्मल चरण पाउंदी एक कविता कह लगा हाँ, जिदे बोल ने वड्डी है वडियाई बाबे सालो दी ये कह के समाप्ति आए। आओ तवज्जो दे के सरवण करिए, जिस तीर्थ की यात्रा कर रहे हो ओ महान तपीसर महापुरख बाबा सालो किड्डी वड्डी अजमत ते वडियाई दा मालक से, इउं पेश कीता जा रहा जी। जन्म मैल वे बेशक उन्ने तारिया है, अमृतसर विच रही के जन्म सवारिया है, अमृतसर विच रही के जन्म सवारिया है। वड्डी काल कमाई बाबे सालो दी, वड्डी है वड्याई बाबे सालो दी, वड्डी है वड्याई बाबे सालो दी। पुरखे बेशक सी सरवर दे चेले जी, गुर चरनी लग हो गए जन्म सहेले जी, गुर चरनी लग हो गए जन्म सहेले जी। पूरन गालिया लाई बाबे सालो दी, वड्डी है वड्याई बाबे सालो दी, वड्डी है वड्याई बाबे सालो दी। सच्चे दिल तो सेवा खूब कमाई है, दरते तैयों चुक दे माई पाई है, दरते तैयों चुक दे माई पाई है। लैण तरगाई बाबे सालो दी, दात लैण दरगाई बाबे सालो दी, वड्डी है वड्याई बाबे सालो दी, वड्डी है वड्याई बाबे सालो दी। लद बलन दे गड्डे जदियो आया सी, पंजवें गुर ने सीने लै वड्डी आया सी, पंजवें गुर ने छाती लै वड्डी आया सी। काल थाए है पाई बाबे सालो दी, वड्डी है वड्याई बाबे सालो दी, वड्डी है वड्याई बाबे सालो दी। लंगर वाले बर्तन हथी साफ करे, दरियाया दी पुल चुकनू वो माफ करे, दरियाया दी पुल चुकनू वो माफ करे। ओट तकाई बाबे सालो दी, जिन्ने ओट तकाई बाबे सालो दी, वड्डी है वड्याई बाबे सालो दी, वड्डी है वड्याई बाबे सालो दी। ओदे दर तों रजन ओदे दर तों रजन आके भुखे जी, हरे होवंदे बालक जेड़े सुके जी, हरे होवंदे बालक जेड़े सुके जी। गल बड़ी अजमाई है बाबे सालो दी, वड्डी है वड्याई बाबे सालो दी, वड्डी है वड्याई बाबे सालो दी। जीवन विच्चों हुंदियां दूर बलावां ने, पुत खड़ाउंदियां आणन पुतियां मावां ने, पुत खड़ाउंदियां आणन पुतियां मावां ने। नजर समाई बाबे सालो दी, वड्डी है वड्याई बाबे सालो दी, वड्डी है वड्याई बाबे सालो दी। ओ खुशियां आवन वेड़े गमियां नसन दी, मुरझाए जो चेहरे खिड़ खिड़ हसन दी, मुरझाए जो चेहरे खिड़ खिड़ हसन दी। ओ शहरा उपमा गाई बाबे सालो दी, वड्डी है वड्याई बाबे सालो दी, वड्डी है वड्याई बाबे सालो दी। ਇਹ ਸੀ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਤੀਰਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰਨ ਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
अगले साल जो ये परिवार आने जिन्होंने दुआवां कीतियां इस तीर्थ उत्ते इन्हां दी झोली खुशियां नाल वाहगुरु ने भरी होवे, बाबे सालो दा जस गाउंदे गाउंदे इस तीर्थ की यात्रा करन भावना दे नाल सारयां दी चढ़दी कला की अरदास करदा है। हरप्रीत सिंह ते सरदार गुरजंड सिंह विदेश विच पक्के हो जाना, यह अरदास है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन चरणों विच। छोटा बच्चा है लव नूर सिंह, ओदी तंदुरुस्ती चढ़दी कला वास्ते माया पहुंची है गुरु साहिब मुराद पूरी करन चढ़दी कला करन। बलवीर सिंह दा विआह हो जाए, यह अरदास है गुरु कृपा करन वाहगुरु मुराद पूरी करन। पंत सिंह दी चढ़दी कला वास्ते बहुत वड्डा सन्मान गुरु की संगत वल्लों पहुंचिया, तहे दिलों धन्नवाद करदा। भैणा वल्लों यह दुआ की जाती है वाहगुरु पुत्र की मिठी दौलत बख्शिश करके नवाजन, भय वंश जोत सिंह पक्का हो जाए विदेश है। अरदास है कलवंत सिंह साहब पोतरिया की दात मंगते माया भेजते ने वाहगुरु मुराद पूरी करन। एक भैन अपने पिता की चढ़ती कला की शरीरक तंदुरुस्ती की दात मंगते हैं वाहगुरु मुराद पूरी करन। माता जी पोतरे की दात मंगते ने वाहगुरु मुरादा पूरिया कर चढ़ती कला कर। लाल सिंह साहब जी पुत्र की दात मंगते ने वाहगुरु मुराद पूरी कर। हरप्रीत सिंह और सुखपाल सिंह विदेश ने विदेश चले जान, ये अरदास उन्हों का वीजा लग जाए गुरु कृपा कर मुराद पूरी कर। गुरलाल जीत सिंह की तंदुरुस्ती चढ़ती कला ली माया हाजिर है वाहगुरु कृपा कर। माता जी पोतरे की दात मंगते ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन दरबार विचों वह कर। प्रभजीत की चढ़ती कला वास्ते माया हाजिर हुई है, तहे दिलों धन्यवाद करदा। माता जी अरदास करते हैं घर नवा बन जाए गुरु कृपा कर, यह भी दात नसीब होवे बहुत खुशी की गल है। ज्ञानी सरबजीत सिंह साहब जी लुधियाने वाले जिन्हों की उड़ीक आप बैठे हाँ, ये ऐसे गुरु के प्यारे ऐसा संगत है। जे मैं पहला बेनती की है कि असी तर्क दे तीर मारन जोगी रह गए, साडियां स्टेजां तो सिदक वाले बुलारियां की गिणती घट रही है। भाई सरबजीत सिंह जी लुधियाना गुरु योग दियां हर निक्कियां निक्कियां घटनावां नूं भी बड़ा भिज के वाचदे है, ते उन्हां दी पेशकारी विच्चों गुरु प्रति प्रेम झलकदा है। आपां सारयां ने उन्हां नूं सुनना हाजिर होए ने, जीव आया कहिंदा है सतगुरु चढ़दी कला की दात बख्शिश करके नवाजन। छोटी जी बच्ची वीर की दात मंगती है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी रहमतां दे नाल नवाजन। काका दिलप्रीत की चढ़ती कला लई सौ दमड़ा। दविंदर सिंह लई गुरसिखी जीवन ते अमृत की दात खंडे की पौल की दात मंगी जा रही है भैणा वल्लों सतगुरु मुराद पूरी करन दी। पोतरिया की दात वास्ते अरदास है, माया सारी संगत ने बेशुमार भेजी है, सारयां दा दिल दियां गहराइयां चों धन्नवाद करदा है। थोड़े समय च गलतियां भुल्लां बहुत हो गई ने, भुल्लां की खिमा जे कोई चंगा लगे उहनूं इतिहास की हकीकत जाण के साथ संगत सदीवी सांभ लैणा। अगला प्रोग्राम जुम्मेवार सज्जन आप जी नूं दस देणगे, तुहाडा अपना श्रोमणी कवीशर अमरजीत सिंह सभरावां नाल दे साथी भाई मेजर सिंह सभरावां वाले और भाई मनप्रीत सिंह जी सैदो, सतगुरां दा शुक्रगुजार दा हां जिन्हां ने रहमतां करके वर्गे नमाणियां तों सेवा लई है। आउण वाले बुलारियां नूं सत्कार नाल जीव आया फतेह दा जोग उत्तर दे के धन्नवादी बनाओ। गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।